हेलो दोस्तों, जेकब वॉल्टर्स में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे आर्डिनो के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में और उनका काम क्या है। जैसे आप सबको पता होगा कि पिछले वीडियो में मैंने आर्डिनो के बारे में बताया था, आज उसके सेंसर्स के बारे में सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये एक 12 वोल्ट मोटर ड्राइवर को हम लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये मोटर ड्राइवर L298N है। इसको यूज़ करके हम 12 वोल्ट के मोटर को आगे पीछे घुमा सकते हैं, क्योंकि आर्डिनो से जो सिग्नल निकलता है उसको समझ के ये मोटर को ड्राइव कर सकता है, क्योंकि आर्डिनो से तो 12 वोल्ट निकलता नहीं। ये सर्किट को यूज़ करके हम 12 वोल्ट मोटर को चला सकते हैं। इसके बाद आता है ये सर्वो मोटर। सर्वो मोटर जैसे आपको पता होगा, ये 180 डिग्री में मूव करता है, ये पूरा 360 डिग्री नहीं घूमता है, क्योंकि इसके अंदर एक लॉक होता है। अगर वो लॉक को हम तोड़ देंगे तो ये फिर 360 डिग्री मतलब पूरा रोटेट करने लगेगा। तो ये यूज़ करके हम, इसमें तीन तार होते हैं, दो तार में से हम एक में ग्राउंड, एक में वोल्टेज देते हैं और बाकी एक तार में हम सिग्नल देते हैं। तो इससे यूज़ करके हम पार्टिकुलर जितना डिग्री चाहें वो सर्वो मोटर को उतना डिग्री घुमा सकते हैं। दूसरा ये जो अभी लेते हैं, ये है इको सेंसर। ये इको सेंसर हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो कि 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा होता है उसको छोड़ता है, और किसी चीज़ से जब टकरा के ये वापस आता है तो दूसरा सेंसर उसको रिसीव करता है। तो साउंड की स्पीड के हिसाब से वो डिस्टेंस मेजर करता है, जो किसी चीज़ से टकरा है कितना दूर है। तो ये सेंसर को यूज़ करके हम आर्डिनो में रेडार वगैरह बना सकते हैं, और आगे के प्रोजेक्ट में हम इसको बना के भी आपको दिखाएंगे। तो ये इको सेंसर काफ़ी काम है डिस्टेंस मापने के लिए। तो इसके बाद जो हम लेने वाले, ये 8x8 डिस्प्ले है। तो इसमें LED डिस्प्ले होता है, ये एक तरफ 8 LED होता है और दूसरी तरफ भी LED होता है, तो कुल मिला के 64 LEDs होते हैं। तो इसमें नंबर्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स वगैरह अगर आपको डिस्प्ले करना है आउटपुट में, तो इसको यूज़ करके हम कर सकते हैं। और इसके अंदर IC होता है, इसको अलग करके भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद ये जो हम देख रहे हैं, ये है एक स्मोक या गैस सेंसर। तो कोई भी अगर स्मोकिंग करता है या फिर हमारे LPG गैस लीक करता है कहीं, तो ये सेंसर उससे एक्टिवेट हो जाता है। इसको यूज़ करके हम गैस सेंसर वगैरह, स्मोक सेंसर वगैरह बना सकते हैं। तो अगला ये एक वाईफाई सेंसर है। तो ये वाईफाई सेंसर या वाईफाई मॉड्यूल कह सकते हैं, इसको हम आर्डिनो में जोड़ के वाईफाई में डाटा भेज सकते हैं या फिर वाईफाई से डाटा रिसीव भी कर सकते हैं। तो इसके बाद ये एक मॉड्यूल है जो कि आप RFID सेंसर इसको कहते हैं। तो इसमें एक सेंसर होता है और ये कीचेन जैसा उसका एक रडार का एक सेंसर प्लेट होता है, जिसको आप यूज़ करेंगे तो आप सेंस कर सकते हैं और कोई भी चीज़ को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो इसको लेके आप डोर लॉक वगैरह बना सकते हैं। तो इसके बाद ये एक इनपुट डिवाइस 4x4 का एक कीपैड है। तो इसमें 16 कैरेक्टर्स रहते हैं, इसको यूज़ करके आप अनलॉक लॉक कर सकते हैं और दूसरा इनपुट भी दे सकते हैं आप इसको यूज़ करके। तो इसके बाद देखते हैं, ये है एक TTL जिसमें कि USB ड्राइवर जैसा है। तो इसका यूज़ है कि जब हम कोई भी माइक्रो प्रोसेसर को प्रोग्राम करना चाहते हैं, उसमें कोड डालना चाहते हैं, तो उसको यूज़ करके हम डायरेक्ट ऐसे माइक्रो प्रोसेसर में कोडिंग कर सकते हैं। उसके लिए आर्डिनो का बोर्ड का ज़रूरत नहीं, ये डायरेक्ट, ये जो एडमेका प्रोसेसर है उसमें डायरेक्ट कोडिंग हो सकता है। तो इसके बाद ये है एक जायरो सेंसर। जायरो सेंसर का मेन काम होता है कि कोई भी चीज़ अगर डिसबैलेंस हो तो पता कर लेता है। ये हमारा वेस्टिबुलर जैसा है, तो इसको यूज़ करके हम रोबोट वगैरह में बैलेंसिंग का काम करते हैं। अगर कोई एक पार्टिकुलर साइड में टिल्ट हो जाता है तो ये सेंस कर लेता है और उसको फिर बैलेंस पोजिशन में ले आता है। तो ये क्वाडकॉप्टर वगैरह में भी यूज होता है। अब इसके बाद ये है ह्यूमिडिटी सेंसर। तो इसको यूज़ करके हम मिट्टी में कितना ह्यूमिडिटी है, कब उस किसी पौधे में कब पानी देना चाहिए, ये ऐसा प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं। तो ये ह्यूमिडिटी सेंसर। अब इसके बाद ये है ब्लूटूथ मॉड्यूल। इसको भी यूज़ करके हम आर्डिनो से डाटा बाहर भी ले सकते हैं और आर्डिनो में डाटा डाल भी सकते हैं। तो ये ब्लूटूथ मॉड्यूल। तो अब इसके बाद ये है एक माइक्रो SD कार्ड रीडर। तो इसमें हम आर्डिनो के साथ जोड़ के
माइक्रो एसडी में डाटा सेव भी कर सकते हैं और जो माइक्रो एसडी में कोई भी फाइल है उसको प्ले भी कर सकते हैं, नेक्स्ट, बिफोर, पॉज, ऐसा सब फंक्शन कर सकते हैं। तो ये मेनली डाटा स्टोरेज करने के लिए रहता है। इसके बाद ये है वॉइस रिकॉग्निशन मॉड्यूल। इसमें क्या होता है कि आप एक ऑलरेडी एक इसमें आर्डिनो जैसा सर्किट होता है, प्रोसेसर होता है, जो कि वॉइस को पहचान लेता है। आप कोई भी अगर वॉइस सेंसर वाला, वॉइस रिकॉग्निशन वाला आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये इसमें बहुत बढ़िया काम आता है। तो जैसे आप गूगल मिनी और ऐसे डिवाइस जो कि वॉइस से काम करते हैं उसमें भी ये सेंसर लगा होता है। तो इसको यूज़ करके एक पर्टिकुलर आदमी अपना वॉइस रजिस्टर करके अपने वॉइस से किसी चीज़ को, रोबोट वगैरह को चला सकता है। तो ये बहुत ही बढ़िया शानदार एक प्रोडक्ट है। अब इसके बाद ये जो है ये एक जॉयस्टिक है, ये 360 डिग्री रोटेशन लेता है। तो इसको आप कोई भी कंट्रोलर वगैरह में यूज़ करने के लिए, प्रोजेक्ट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये है एक रिले मॉड्यूल। तो इसमें एक ऑलरेडी रिले लगा हुआ है और इसमें एक सर्किट है, तो इसमें खाली आपको सिग्नल देना पड़ेगा और बाकी ये इसमें हम एसी 220 वोल्टेज और उससे हाई वोल्टेज भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये जैसा जनरल रिले जैसा होता है लेकिन बड़ा बड़ा हाई वोल्टेज को कंट्रोल करने में ये इजी होता है। तो अब ये है कि माइक्रोफोन साउंड सेंसर। तो इसको यूज़ करके आप डिफरेंट साउंड्स वगैरह दे सकते हैं, लेकिन ये जैसा एक वॉइस रिकॉग्नाइजर था ऐसा नहीं है, ये सिंपल एक साउंड सेंसर, माइक्रोफोन साउंड सेंसर है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये एक एबॉयड है, तो इसमें दो एलईडी होता है, एक इंफ्रारेड सेंसर और इंफ्रारेड एलईडी होता है। तो इंफ्रारेड एलईडी से जो लाइट निकलता है वो जब वापस आता है तो उसको ये सेंस करता है। तो ये कोई अगर बीच में अगर कोई तोड़ेगा तो ये सेंस कर लेता है। अब इसके बाद ये है एक टेम्परेचर कम ह्यूमिडिटी सेंसर। तो इसमें आप ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। ये इनक्यूबेटर, ग्रीन हाउस, ये अंदर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंस करने के लिए यूज होता है। तब इसके बाद ये एक पॉट रजिस्टर, पॉट बना वेरिएबल रजिस्टर जैसा है, तो वॉल्यूम कंट्रोल जैसा, लेकिन वॉल्यूम कंट्रोल में तो एक कम मैक्सिमम और मिनिमम होता है, लेकिन ये घूमता जाता है। आप बढ़ाएंगे जितना बढ़ाएंगे भी एक लिमिट के बाद तो साउंड नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये घूमता जाएगा। इसी तरह कम करने से भी घूमता जाता है। तो इसको भी हम यूज करके डिफरेंट प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो अब जो लेने वाले हैं ये है एक डिजिटल टेम्परेचर सेंसर। तो इसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों डाटा निकलता है, लेकिन ये खाली टेम्परेचर सेंस करता है और डिजिटल डाटा आर्डिनो को देता है। इसमें एनालॉग भी निकल सकता है, तो ये डिजिटल टेम्परेचर सेंसर। अब इसके बाद ये जो एक छोटा सा सेंसर है, इसको सॉफ्ट सेंसर या छोटा सा वाइब्रेशन भी होता है तो ये सेंसर जान जाता है। इसके अंदर एक बॉल होता है, इसको आप हिलाएंगे तो साउंड करेगा। तो ये एक छोटा सा सॉफ्ट सेंसर है। ठीक है, तो अब ये जो है ये एक मैग्नेटिक फील्ड सेंसर है। तो इसके आगे एक सेंसर है, तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट इसके पास आएगा तो ये बता देगा सेंस करके कि मैग्नेट फील्ड आ चुका है। अब ये एक 2x16 LCD मॉनिटर है, LCD डिस्प्ले कह सकते हैं आप इसको। तो इसमें दो लाइन में इंफॉर्मेशन आप टाइप कर सकते हैं और एक लाइन में 16 कैरेक्टर्स आते हैं। तो कोई भी आप प्रोजेक्ट जब बनाते हैं तो उसमें अगर आपको कुछ डाटा देखना चाहिए होता है, तो जैसे टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो, या फिर राडार में कितना डिस्टेंस है, ये सब जानने के लिए ये इसको यूज़ करके हम आर्डिनो में डिफरेंट प्रोजेक्ट में हम डाटा डिस्प्ले इस LCD मॉनिटर पे कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम आर्डिनो बोर्ड के पास। ये एक आर्डिनो नैनो बोर्ड है। तो इसमें इनपुट आउटपुट उसी तरह होते हैं जैसे कि आर्डिनो उनो में, और इसमें एक रीसेट भी बटन भी होता है। तो इसमें एनालॉग और डिजिटल पिन, जैसे ये आर्डिनो उनो में जिस तरह से जितने पिन होते हैं तो ये नैनो में भी उसी तरह के पिन होते हैं। तो ये नैनो बोर्ड है। अब इसके बाद ये है आर्डिनो मेगा। मेगा बोर्ड में आप प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा होता है, इसमें इनपुट आउटपुट बहुत ज़्यादा भी होते हैं एनालॉग और डिजिटल के लिए, और इसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप आराम से कर सकते हैं और हाई लेवल में प्रोसेसिंग इसमें हो सकता है। लेकिन ये आर्डिनो उनो में थोड़ा उससे प्रोसेसिंग पावर कम है, लेकिन वो सब काम आप कर सकते हैं। और इसमें भी इनपुट आउटपुट पिन हालांकि मेगा से जितना ज़्यादा कर सकते हैं, उनो में उतना नहीं कर सकते। मेगा में बहुत ज़्यादा बोर्ड्स होते हैं, माने पोर्ट्स होते हैं, जो पिन्स होते हैं। तो ये तीनों हैं आर्डिनो बोर्ड्स। तो ये सब आपको कैसा लगा? ये ऐसा एक किट आता है, तो इस तरह से किट, सेंसर किट फॉर आर्डिनो करके आप ले सकते हैं। तो ये बिगनर्स के लिए सारा किट से लेके आप इसको
असेंबल करके कोई नया इनोवेटिव प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा अगर आपको सेंसर चाहिए तो ये डिफरेंट ऑनलाइन साइट्स में मिल जाता है, और वैसे मेरे भी कॉन्टैक्ट्स में ऐसे प्रोजेक्ट बनाने वाले, ऐसे किट बेचने वाले भी हैं। अगर आपको इस तरह का कोई सेंसर किट चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं, जिससे कि मैं आपको कॉन्टैक्ट कर सकूं और आपको इस तरह का जो आपका जो हॉबी है आर्डिनो में, इलेक्ट्रॉनिक्स आर्डिनो में जो हॉबी है उसमें भी मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो ये सब जो मॉड्यूल्स, छोटे छोटे मॉड्यूल, सेंसर्स और छोटे छोटे आर्डिनो बोर्ड हैं, इसको जोड़ करके हम अनगिनत प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अपना जो इनोवेटिव आइडियाज़ है या फिर हमारा जो कुछ हम सोचते हैं, हर कोई इंसान दूसरी तरह से सोचता है, एक तरह से नहीं सोचता है, तो कोई भी अपने हिसाब से कुछ भी। देखिए, आज चाइना इसी में बहुत आगे है, तो हम भी ऐसा कुछ नया चीज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? जैसे मैंने बताया था कि हम हॉबी सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो ये आर्डिनो वाला इलेक्ट्रॉनिक्स हॉबी सीरीज का पहला वीडियो है, और ये बच्चों को आप दिखाइए और बच्चों में एक हॉबी डालिए। तो आर्डिनो ये लेटेस्ट ट्रेंड में है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो बच्चों में डिफरेंट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये मेरा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और इसमें जो बेल बटन होता है सब्सक्राइब के पास, उसको भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी अगर इससे इसके बाद वीडियोज आए तो आपको एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।